ये हाय गाइस, मेरा नाम मनोज कुमार है। आज हम लोग पढ़ने वाले बोर्ड मास पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। बोर्ड मास आज मैं तो आपको शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ। इसके मैं तीन चार पढ़ा बनाऊंगा, सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं। बहुत बोर्ड मास उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, ठीक है। चलिए कुछ रूल देख लेते हैं बोर्ड मास के। बी फॉर, देखिए यहाँ पे BODMAS बोर्ड मास। बी फॉर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट भी हो सकता है, कोई कोई सिंपल ब्रैकेट भी बोलता है इसको, कर्ली ब्रैकेट भी हो सकता है, और स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। चलिए, वो मतलब ऑर्डर, या तो ऑफ करके भी बोलते हैं। बोल लो क्या करते हैं? ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ मतलब का, ठीक है। ऑर्डर एन स्क्वायर, ऑर्डर मतलब डिग्री, इंडाइसेस भी बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज इंडाइसेस, डिग्री, पावर, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। डी मतलब डिवीजन, डिवाइड करने का, देखिए इसका सिंबल। मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लाई करना आपको। ए मतलब एडिशन, एडिशन मतलब प्लस करना। एस मतलब सब्ट्रैक्शन, माइनस करना, ठीक है। चलिए मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, एक एक एग्जाम्पल ब्रैकेट का पहले देख लेते हैं। 5 × मैंने रेड पेन से लिखा, ठीक है, ब्रैकेट में 3 + 4 लिखा है। तो पहले हम लोग बी सॉल्व करें, बी मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 5 को ऐसे लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे, इंटू दिया तो इंटू भी लिखेंगे। अब इसको ब्रैकेट वाले को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि बी सबसे पहले आता है बोर्ड मास में, बी सबसे पहले आता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 + 4 = 7 होगा, 7 × 5 = 35, ठीक है, आंसर आ गया। चलिए ऑर्डर चेक कर लेते हैं। ऑर्डर कैसे? 7 + 3 का स्क्वायर, तो 2 क्या इंडाइसेस से बोल सकते हो, पावर बोल सकते हो, डिग्री भी बोल सकते हो, ठीक है। तो 7 + तो 7 को 7 लिखेंगे, प्लस को प्लस, एज इट इज लिखेंगे। पहले 3 को सॉल्व करें, क्योंकि ऑर्डर पहले, उसके बाद पहले ऑर्डर को चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, तो 7 + 9 = 16 हो गया, ठीक है। चलिए डी मतलब डिवीजन, डिवीजन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। 10 − 4 / 2, ठीक है। तो पहले को 10 को 10 ही लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, उसके बाद पहले डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवीजन है, ठीक है। तो 4 / 2 होता है, 10 − 2 करेंगे तो 8 होता है, ठीक है। चलिए एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, इंटू 7 + 4 × 1 = पहले 4 × 1 करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले होता है, एडिशन के पहले क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो 4 × 1 = 4, 7 + 4 = 11 होगा, ठीक है। एडिशन देख लेते हैं, एडिशन मतलब प्लस। 10 + 4 × 3, तो मल्टीप्लाई सबसे पहले होता है, याद रखिए एडिशन के पहले क्या? मल्टीप्लाई। तो 4 × 3 करना है, 12 करना है, 10 को एज इट इज लिखना है, 10 + एज इट इज लिखना है। 4 × 3 = 12, 10 + 12 = 22 होगा। चलिए लास्ट देख लेते हैं, एस मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है, माइनस। तो इसका 12 − 8 / 2, पहले डिवाइड करेंगे, 12 − 4 = 8, 4 आएगा, 12 − 4 = 8 आ गया, ठीक है। तो मैंने ये ट्रिक बता दिया आपको बोर्ड मास का। जो भी नेक्स्ट पार्ट मैं बताऊंगा उसमें आपको बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, बोर्ड मास को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये रहा रूल, एंड बोर्ड मास का रूल बता दिया हूँ। तो ये पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।